लिहाजा दोनों हाथों को उठाइए, इस अंजुमन का इस्तकबाल करिए। नारे लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। हजरात, मुसलसल सफर की वजह से आवाज काफी शिकस्ता है। हमारे बरादर अजीज मौलाना हसन अकबर साहब का हुक्म है, बहरहाल चंद बल आपके सामने वो नौहा पेश कर रहा हूँ। बहुत से हजरात उस नौहे को सुन भी चुके हैं यूट्यूब के ज़रिए, और मैंने कई बार जौनपुर में भी शहर जौनपुर में पढ़ा। जो हजरात सुने हैं और जो नहीं सुने हैं उनके लिए मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। ये वो कलाम है कि शहज़ादी बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद जब सब रुखसत हो गए माँ के जनाजे से, कभी जनाब ज़ैनब आई और उसके बाद वो रुखसत हुई, उम्मे कुलसूम आई माँ के जनाजे से रुखसत हुई, इमाम हसन आए माँ के जनाजे से रुखसत हुए, लेकिन एक करबलाई शहज़ादा जिसे हुसैन कहते हैं वह कोने में खड़ा हुआ था और आवाज़ दे रहा था, अम्मा जब तक आप न बुलाएंगी ये शहज़ादा आपके करीब ना आएगा। इस वजह से कि जब आप बुलाती थी तब हुसैन आपके पास आता था। एक मरतबा हुसैन ने कहा, अम्मा आप तो फ़ख्रे मरियम है, मरियम ने ईसा के लिए बंद कफन तोड़ दिए थे, क्या आप मेरे लिए बंद कफन न तोड़ेंगी? इतना कहना था बंद कफन टूटे, आ मेरे करबलाई शहजादे मेरे सीने से लग जा। करबलाई शहजादे को सीने से लगाया, न जाने माँ बेटे में कौन सी गुफ्तगू हुई, हाँ इतना ज़रूर हुई होगी, अम्मा आज आपने बंद कफन तोड़ के मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन कल करबला में जब करबला में जो है मैं जुलजना के जीन पर सवार होऊंगा और घोड़े पे सवार होके कोई तीर और कोई तलवार मार रहा होगा, उस वक्त मैं गिरने वाला होगा तो कोई संभालने वाला ना होगा, अम्मा उस वक्त ज़रूर आ जाना। हाँ करबलाई शहजादा है, उस वक्त करबला में आवाज़ दे रहा होगा, तो इसी वजह से तो माँ बालों को बिखराए हुए करबला में आ गई थी। आ मेरे शहजादे तुझे सीने से लगा लूँ, तेरे मक्तल को मैंने अपने बालों से साफ कर रखा है, आ मेरे लाल हुसैन तुझे करबला में प्यासा शहीद किया जाएगा। मुलाहिज़ा करें हज़रात, जहाँ जहाँ मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है हक़ मातम होगा इंशाल्लाह, जहाँ तक कोशिश करेंगे कि आप तक ये नौहा पहुँचा सके, आवाज़ शिकस्ता है मुसलसल प्रोग्राम की वजह से, लेकिन जहाँ तक कोशिश करूँगा कि कलाम पहुँचा सकूँ आप तक। मुलाहिज़ा करें आप सबसे दुआएँ चाहता हूँ, तमाम मोमिनीन और मोमिनात यहाँ हैं मुसाब होंगे इंशाल्लाह, हक़ मातम अदा होगा। हज़रात अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन। अपने मरकज पे मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुला। बन मुलाजा करें हज़रात,
आगा हुसैन। रोके सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा, इतनी खामोश हो क्यों मुझसे तो बोलो अम्मा। थक गई हो तो जरा देर को सो लो अम्मा, याद नाना की जो आई है तो रो लो अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी नारेगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी नारेगा हुसैन। शाक है आपकी हम सब पे जुदाई अम्मा, जान खोता है शहे कर वो बलाई अम्मा। चरख ने कैसी घड़ी हमको दिखाई अम्मा, हमसे मत रूठिए ना ना की दोहाई अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी नारेगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी नारेगा हुसैन। मुझसे बाबा का सिसक ना नहीं देखा जाता, गमजदा भाई का गिरिया नहीं देखा जाता। अब तो कुलसुम का रोना नहीं देखा जाता, मुझसे जैनब का तड़प ना नहीं देखा जाता। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी नारेगा हुसैन, अम्मा जब तक। सुने हजरत, जहां जहां मोमिनी तशरीफ फरमा है, हक के मातम अदा होगा हजरत, हमारी माए बहने भी मौजूद हैं। ना बुलाओगी हुसैन, अश्क आलूद फिजा गम की घटा छाई है, हर कली गुलशन इस्लाम की मुरझाई है। हाय किस मोड़ पे तकदीर हमें लाई है, आले अहमद पे मुसीबत की घड़ी छाई है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना। सुने हजरात, जहां जहां मोमिनी तशरीफ फरमा है, अम्मा जब तक न बुलाओगी नारेगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी नारेगा हुसैन। अभी नाना की जुदाई का आलम ताजा है, फुरकते रहमत कौन नैन का गम ताजा है। कल्ब मुजतर में गम शाह उमम ताजा है, अब यसीरों पे फलक का ये सितम ताजा है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी नारेगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी। आखिरी के दो बंद हाजिर कर रहा हूँ,
पूरे नौहे का निचोड़ करो मुलाजा के नजरात जा जा मुमनी शशि वर्मा है हक के माता मदा होगा हजरात अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन सुन के मुज़्तर की फोगा चरखे को हनका पुठा कल्बे कौनैन बसद रंजो महन का पुठा कब्र अतहर में पयम बर का बदन का पुठा कहते कहते यही सर वर का सुखन का पुठा अपने मारी कज पे अपने मारी कज पे खड़ा आश्क बहाएगा हुसैन अम्मा जब तक ना बुला आखिरी बंद मुलाजा कर ले हजरत मत्ते का भी शेर है यही मुलाजा करें पूरे नौहे का निचोड़ है इस बंद मुलाजा करें आएगा हुसैन अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन सुन के सरवर का सुखन बंदे का फन टूट गया रूहे जहरा हुई बेचैन फलक थर्राया हाथ फैला के जकी याने हसन फरमाया आ गले लग जा मेरे अब ना ये कहना बेटा अपने मारी कस अपने मारी कस पे खड़ा आश्क बहाएगा हुसैन अम्मा जब तक ना बुला होगी ना आएगा हुसैन अम्मा जब तक ना बुला होगी ना आएगा हुसैन अम्मा जब तक ना बुला होगी ना आएगा हुसैन अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन या हुसैन या हुसैन तम कल मसरूफ़ अज़ा है मुल्क की मशहूर मारूफ़ अंजुमन अंजुमन नासिरुल अज़ा अलीगढ़ सुल्तानपुर इसके फौरन बाद मौलाना हसन अकबर साहब के दरवाजे पर तकरीर होने जा रही है इस तकरीर को खिताब करेंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कमर सुल्तान साहब दिल्ली उसके बाद मशहूर मारूफ अंजुमन अंजुमन हैदरिया अंजुमन हैदरिया रजिस्टर्ड अंबेडकर नगर उसके मेंबरान तैयार रहें तकरीर के फौरन बाद अंजुमन हैदरिया रजिस्टर्ड अकबरपुर के मेंबरान तैयार रहें माशाल्लाह सलामत रहें जिंदाबाद जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह